रामपुर में अपने पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश के पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूर्य नमस्कार और नमाज वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह बात वह कहते तो उनके हाथों में हथकड़ी होती। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, ये उन्होंने कहा, हम कहाँ आते हैं, हम तो ऐसी बात नहीं कह सकते। अगर ऐसी बात हमने कह दी होती तो अब तक हमारे हथकड़ी भी पड़ गई होती। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर ये बात हमने कही होती तो अब तक हथकड़ी पड़ गई होती। योगी जी कह रहे हैं तो वो तो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, जो करते हैं वो ठीक करते हैं, और जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी ठीक। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ा हुआ है, प्रदेश में लूट और रेप की घटनाओं में 4 गुना इजाफा हुआ है। तो 3-4 गुना अपराध बढ़ा है, चोरियां, डकैतियां, हत्याएं और विशेष रूप से रेप्स काफ़ी बढ़े हैं। उसकी वजह यह है कि पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है कमाई में। दिल्ली के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के पीएम को लिखे पत्र पर सपा नेता ने कहा कि यह कौन सी नई बात है। चिट्ठी लिखने से क्या हो जाएगा, ये बात तो हम बहुत जमाने से कह रहे हैं। अब उस बड़े चेहरे का अगर आप बताएंगे नाम तो बात आपको सही ढंग से बता पाएंगे, कौन बड़ा चेहरा ये मालूम तो ये गुमनाम चेहरा कौन है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा जिसके ज्यादा लोग होंगे उसी का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति वो होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी, कोई भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों का लोकतंत्र के नाम पर फैसिस्ट लोग फायदा उठाएंगे, और जब लाभ की चरम सीमा को पहुंच जाएंगे तो लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, ऐसा ही सुना है। ज्यादा मैं सहारनपुर की 2 महिला और एक बरेली की महिला ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि ट्रिपल तलाक पे हमने वोट दिया है, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, क्या मुस्लिम क्या कहें। भाई ये 2 हो या 200 हो, शरीयत का मामला है, इसे शरीयत ही तय करे। अजमेर जब से